पत्र है, वैराग्य के बिना तुमको ज्ञान नहीं लगेगा। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है और अगर उसको पूरी तरह से पढ़ाई नहीं करता है, घर के बाहर भेजते हो आप और वो पढ़ने के लिए जाता है, तो उधर वो अपने बर्थडे कार्ड्स भेजता रहे फ्रेंड्स को, एनिवर्सरी कार्ड भेजता रहे, क्या वो पढ़ाई करेगा? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है परहेज करो, एक जुकाम की गोली कोल्ड होता है उसका भी परहेज करना है। तो भाव सागर पार करने का कोई परहेज नहीं है। ये मीन हुआ कि वैराग्य के सिवा तुम्हें ज्ञान नहीं लगेगा। इस ज्ञान की नींव है वैराग्य। अगर ध्रुव को 1 सेकंड में वैराग्य आता है तो हमें क्यों नहीं? सौतेली माँ ने ध्रुव को राजा की गोद में, फादर की गोद में नहीं बैठने दिया था, और वो निकल गया था। नीति है उसकी असली माँ, सुरुचि है उसकी सौतेली माँ। सुरुचि माना जिनको रुचि है संसार में, नीति माना तपस्वी। और उसने क्या बोला? बेटा चला जा, मैंने ज्यादा तपस्या नहीं की है इसलिए ऐसा हो रहा है। और वो बच्चा निकल जाता है, नारद जी रास्ते में मिलते हैं उसको, वो मांगता है कि मुझे बताइए मैं क्या करूं। नारद जी बोलते हैं बेटा चला जा, तेरी उम्र खिलौने से खेलने की है, वैराग्य लेने की नहीं है। वो नहीं मानता है। कितनी मैं एग्जाम्पल दो, नचिकेता है, मीरा है, ये सब लोग 7-7 साल के थे और हम 50 में भी नहीं बदले, 60 में भी कर रहे हैं। तो हमारे भगवान जी के पास जो ज्ञान है उसकी नींव है वैराग्य, जो तीनों लोगों को भी खोज सकता है भव सागर पार करने के लिए। उसको तीनों लोग भी नहीं चाहिए, जैसे अर्जुन को कुछ नहीं चाहिए था, तभी तो कृष्ण ने बोला ना, अभी तत्व ज्ञानी गुरु के पास जाओ और उससे ज्ञान समझो। पूरा दिन में आत्मा के सिवा हमें कुछ ना दिखे और हम क्या देख रहे हैं? सब नाम रूप, सब लोग दिख रहे हैं हमें, दुख भी लग रहा है, चुभ भी रहा है, तो फिर ज्ञान किधर गया? पहले दिन का सबक है तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं। वो कैसे? किसी की बात चुभेगी क्यों? क्योंकि मन बुद्धि सब कुछ शरीर में तो है, तो शरीर का तो ज्ञान ही नहीं था, ये आत्मा का ज्ञान है। तुम एक आत्मा हो, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का घर है, शरीर के सोना चांदी, बैंक बैलेंस, ब्यूटी, एवरीथिंग इज बॉडी। तो क्यों बोलते थे सत्संग में, जब आते हैं चपले खोलते हैं आप लोग अपने पोजेशन, ब्यूटी एंड अहंकार सब कुछ बाहर छोड़ के आइए अंदर एक छोटे बच्चे की तरह। ऐसे हम जाते थे। अगर वही अहंकार लेके मैं जाऊंगी तो मैं क्या पाऊंगी? संत लोग सारे अपना पोजेशन सब कुछ गवाते हैं तब दुनिया के लिए बनते हैं। भगवान जी कैसे बोलते हैं मेरा कहीं साइन भी नहीं है, कोई पोजेशन नहीं, इसका मीनिंग क्या है? सब कुछ लेकिन तुम्हारा नहीं है। ये आर्ट ऑफ डाइंग भी होता है। दुनिया से जाते समय हम क्या करते हैं? मैंने कितनी वाणी में दिया है, तीन पन्ने हैं लाइफ में। पहला पन्ना है मृत्यु और जन्म का, तीसरा बीच का पन्ना तुम्हारे हाथ में है, हम कैसे जीते हैं? जो गुरु लोग हमें बता रहे हैं क्या उनके कहने से चलते हैं? और मजेदार बात क्या है, गुरु कृपा बोलते हैं। गुरु कृपा माना वॉट? जो मैं प्लान लेके आई हूँ, मेरे अच्छे घर शादी हो जाए, गुरु करा है, मेरे को अच्छा पैसा मिल जाए, ये प्लान, इसमें गुरु कृपा नहीं होती है। गुरु कृपा है कि उसने मेरे जन्मों जन्मों का सारा खात्मा करना है। उसको असली गुरु वो करता है, वो तुम्हारे प्लान्स को नहीं लेता है। हम बहुत प्लान्स लेके आते हैं उनके पास, इसको बोलते हैं गुरु कृपा। इफ रियल मास्टर यू हैव एंड आई वॉन्टेड अ रियल मास्टर जो पूरी तरह से मुझको खत्म कर दे, हम तो हाथ भी नहीं लगाने देते हैं। दिस इज एक कॉर्नर ऑफ वन थिंग, मेरा एक ये किनारा है और एक ये है, मुझे जाना इधर है। हम किनारा भी नहीं पकड़ने देते हैं गुरुओं को, देन अगेन एंड अगेन एंड अगेन गर्भ में आते हैं हम, फिर जन्म लेते हैं, फिर वैसा जीवन, शादी, दो बच्चे, ये करते। वेन इज द एंड? 7-7 जन्म के फेरे खत्म हस्बैंड के साथ, उसका भी कल्याण, तुम्हारा भी कल्याण। ये है ब्रह्म ज्ञान, ये है दादा भगवान जी ने हमें बताया, दिस इज व्हाट आई हैव टेकन। और जब तक धरती पे है, हमारे से किसी की भी सेवा हो जाए, प्यार हो जाए, हम उसको प्यार दें, सेवा दें, और क्या करना है? इतनी छोटी बातें और हमने इसको पहाड़ बना दिया। सहनशीलता नहीं है औरतों के पास, इसलिए घरों में कला क्लेश है। हरिओम, गॉड ब्लेस, खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से।